नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा उत्तर प्रदेश के उन घटनाक्रमों की जिनको लेकर अब विपक्ष रणनीति बनाता नजर आ रहा है। निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि जिस तरह से 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता प्राप्त की है बीजेपी ने, तब से लगातार उसके कार्यकाल को लेकर सरगर्मियाँ चल रही हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो विपक्ष है, 111 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, पर अब तक हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो निष्क्रियता नजर आ रही थी, अब वो निष्क्रियता सक्रियता में तब्दील हो चुकी है। कैसे? यहाँ पर पैदल मार्च भी हुआ, विधानसभा सत्र के दौरान भी यहाँ पर तमाम तरह के घटनाक्रम घटे। उसके बाद अगर हम पूरे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में प्रसपा भी है, सुभाषपा भी है, कांग्रेस भी है, और सबकी अलग अलग रणनीति चल रही है। प्रसपा की बात करें तो प्रसपा यदुकुल पुनः जागरण के माध्यम से अपना जो वोट बैंक उसको साधने में लग गई है। हालांकि ये वोट बैंक साधने की बात कहें या ये बात कहें अखिलेश यादव यानी सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की, अब वो तो प्रसपा वाले ज़्यादा बेहतर जानेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अभी तक फिलहाल कोई प्रदेश अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ है कौन बनेगा, पर ये जरूर सुनने में आया है कि अध्यक्ष बनेगा, उसके साथ साथ 6 कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे, अलग पटकथा, और जो बेहतर काम करेगा उसको यहाँ पर जिम्मेदारी बड़ी दी जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें सुभाषपा की, हालांकि सुभाषपा ओमप्रकाश राजभर जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयानों से हमेशा चर्चा में रहती है, और बयान में इस तरह देते हैं कि विपक्ष खासतौर से सपा जो पहले उनके साथी थे, जिनके साथ एक साथ कदम मिलाते हुए प्रचार किया गया, चुनाव लड़ा गया, उसके बाद जब ओमप्रकाश राजभर लगातार बयानवीर हो गए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकले, और जब ये बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं टकराव हुआ, और टकराव के बाद जो हमेशा होता है राजनीति में वो है गठबंधन का टूटना, वो हो गया। उसके बाद ओमप्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हावी रहे और तमाम तरह के बयान देते हुए कहते रहे कि ऐसा है, और तमाम तरह की उन्होंने बातें कहीं। फिलहाल ओमप्रकाश राजभर फिर चर्चा में है, और चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने सावधान यात्रा शुरू की है, 1 महीने की यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होकर और पटना में जाकर ख़त्म होगी। यात्रा का उद्देश्य गरीब तबके को आगे बढ़ाना, जो जातियाँ हैं जो अब तक अधर्म है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसकी बात करना। शिक्षा को लेकर वो कहते हैं कि अगर शिक्षा नीति, जब एक देश में एक प्रधानमंत्री है, एक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, एक व्यवस्था है, एक कानून है, तो शिक्षा नीति एक क्यों नहीं, शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। तो तमाम तरह की यहाँ पर चर्चा उनके द्वारा की जाती रही, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो घटनाक्रम इस समय घट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चुनौती बनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय नज़र आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में दिल्ली का रोल मॉडल लेके आए थे, मुफ्त बिजली का और तमाम तरह के वादे उन्होंने किए थे, फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी किसी वादों पर यकीन ना करते हुए उनका सुपड़ा साफ करते विधानसभा चुनाव का जो परिणाम रहा। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि किस तरह से आने वाले चुनाव में रणनीति रहनी चाहिए, निकाय चुनाव भी है, 24 का चुनाव भी है, और किस तरह बेहतर प्रदर्शन करना है, और साथ ही साथ जो यात्राओं का दौर चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की भी देश बचाओ यात्रा चल रही है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में 28-29 तारीख को राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन भी होने हैं, जिसके लिए डेलीगेट्स का आना शुरू हो चुका है, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं रमाबाई अंबेडकर स्थल में, इसके अलावा यहाँ सावधान यात्रा शुरू हो चुकी है, वहाँ पर यदुकुल पुनः जागरण मिशन शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश तो नहीं पर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने आप को पुनः जिंदा करने में लगी। जिंदा इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो अभी तक परिणाम आए हैं जो बेहतर हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, आपको रूबरू करा दूँ, कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम लोग। जब सत्ता में लोग रहते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे प्राइवेट स्कूल में, जब किसी नौकरी में जब वो अप्लाई करता है, फार्म भरता है, तो पेपर एक आता है। इस नाते भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी हम लोगों ने तय किया है
कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो इस देश में शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। तो एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के हम लोग इसको बताने का काम करेंगे। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में भुवन भास्कर जोशी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट के रूप में अंकुर सक्सेना भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में इकराग भाई अपना पक्ष रखेंगे, दीप स्वर्ण भाई राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में दयाराम भार्गव भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो दयाराम भार्गव भाई से रहेगा। दयाराम भाई, विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है कि भाई आपके नेता जो है सुबह बयान देते हैं, शाम को बदल देते हैं, इस तरह के बयान सपा के द्वारा लगातार लगाए जाते रहे और कहा जाता है कि आपकी किसी के साथ भी पट्टी नहीं है, कभी भाजपा के साथ रहते हैं उसकी बुराई शुरू कर देते हैं, सपा के साथ आते तो उनको नसीहत देना शुरू कर देते हैं और अब सावधान यात्रा सुधार लगा रहे हैं। और अभी जिस तरह से अभी हाल में ही घटनाक्रम हुआ है कि आपके तमाम बड़े बड़े लोगों ने पार्टी को छोड़ा, कैसे देखते हैं सावधान यात्रा कहाँ तक सफल होगी और क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? उद्देश्य तो आपने बयान के माध्यम से बता दिए हैं, कहां तक सफल होने वाली है? देखिए गौरव भाई जी, एक देसी कहावत है जो विपक्ष के लोग बयान दे रहे हैं, सूप हसे चलनियो हसे जकरे अनगिनत छेद। तो जब अनगिनत छेद है उनको हंसने की क्या जरूरत है, हंसोगे दिखाई देगा। अच्छा, विपक्ष में बैठे हुए लोगों को आज जब विपक्ष में है तो इन्हें उन तमाम चीजों की कमियां जानकारी नजर आ रही है। अच्छा, जब ये सत्ता में थे तब इनको इन चीजों की जरूरतें नहीं पड़ती थी, चूंकि ये सत्ता में थे। अच्छा, सत्ता के माध्यम से लगाइए, जैसे आजकल जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जातिवाद जनगणना कराएंगे। चार बार तो उत्तर प्रदेश में सरकार रही, काहे नहीं करा ली? फिर इन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे। अच्छा, चार बार सरकार रही, बिजली का बिल माफ क्यों नहीं किया? फिर आप क्यों जुड़ गए थे जाकर उनके साथ? भाई आप भी तो उनके साथ गठबंधन करके गलबंगिया डाल के प्रचार चल रहा था उनके साथ में। गौरव भाई जी, अगर नाले की सफाई करना है तो नाले में घुसना पड़ेगा। अच्छा, या बाहर में से साफ हो जाएगा? सफाई करने गए थे वहाँ पर? बिल्कुल। अच्छा, और वहाँ जा करके अच्छा दूर से ये लग रहा था कि अति पिछड़े अति दलितों के अच्छा मसीहा है, मसीहा है। अच्छा, लेकिन जब उस घर में जाने के बाद पता लगा ये कहते कुछ है करते कुछ है, उसका जीता जागता मैं आपको सबूत देता हूँ। जी, 2022 का चुनाव पश्चिमांचल में बहुतायत समाज कश्यप है, चौहान है, बिंद है, प्रजापति है, पाल है, अर्कवंशी है, खंगार है, इन जातियों को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव से लड़ते रहे, कहते रहे कि इनका वोट बहुतायत है, इनको सीट दीजिए, इनको विधानसभा भेजिए। अच्छा, और अगर इनको सीट देते इनको विधानसभा भेजते तो जाहिर सी बात हमारी सरकार बन जाएगी। अच्छा, आनाकानी करते हुए पश्चिम लड़ लिए, मध्यांचल लड़ लिए, बुंदेलखंड लड़ लिए, सब जगह कहते रहे लेकिन ये नहीं सुने। तो आप उस समय क्यों नहीं छोड़ दिए इनको? छोड़ दिए होते? बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ जी, हमारा बीच में ही टूटना हो गया था। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कई मुद्दों को लेकर के हेर फेर उसी समय हो गया था। अच्छा भाई, जो कैंडिडेट हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते थे वहां समाजवादी पार्टी ने स्वयं तय कर लिया, इनके नौ रत्नों ने उनसे पैसे लेकर के भेज दिया, जाइए राजभर के लड़िए, वो लोग लड़ने आए। कई दिन के ऐसे कैंडिडेट रहे जो आकर के पांच दिन रह गया है, वो अच्छा, लड़े हैं। अच्छा, जैसे महेंद्र चौहान है। अच्छा, रसड़ा वाले आप पता कर लीजिए। तो ऐसे तमाम अनगिनत है, खड्डा को आप ले लीजिए, खड्डा विधानसभा का, कई ऐसे चीजों पर लेकर के जिस तरह की वाक्य रही है, यानी कि इनके जो नौ रत्न है उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उनको बुलाया, क्या किया नहीं किया, जाइए राजभर के वहां सीट लड़ जाइए। अच्छा, तो इस तरह की बातें थी तब भी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सरकार बनवाने के लिए लगे रहे, लोगों की बातें कहते रहे, किन जातियों को देते रहो। लेकिन गौरव भाई आप देखिए, तीनों में लड़े आप, पश्चिमांचल लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड, तीनों को आंकड़ा लगा लीजिए और पूर्वांचल में आके आप प्लस होते हैं। अच्छा, अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना आदरणीय अखिलेश यादव जी माने होते तो शायद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का नजारा कुछ और होता। ठीक, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लोग कहते हैं ना कि सुबह कुछ और शाम को कुछ राजभर, और समाजवादी पार्टी तो मिनटों में बयान बदलती है, ये तो जग जा ही रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। पूछ लेंगे, पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में भुवन भास्कर जोशी भाई बैठे हैं। जोशी जी,
इनका दयाराम भाई का आरोप है कि हम लोग तो गंदगी की सफाई करने उतरे थे, बार बार पड़ा गंदगी इतनी है कि हम सफाई कर ही नहीं सकते थे, इसलिए वापस लौट आए। ये क्या मानते हैं, इस तरह के बयानबाजी चल रही है। और आज इनकी सावधान यात्रा शुरू हो चुकी है, लखनऊ से शुरू होगी, पटना में खत्म होगी, क्या बोलते भाई? जी, आवाज नहीं आ रही भाई की। जी जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जी समाजवादी पार्टी को मजबूत विपक्ष बना दिया। जी हमारी जिम्मेदारी बनती है जी यहाँ के किसानों के बारे में, यहाँ के युवाओं के बारे में, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। ये काम हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया है। कौन क्या कह रहा है, किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कह रहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहा है, उनको सत्ता में विपक्ष से प्रश्न करने के लिए लोगों ने भेजा है या विपक्ष के लोगों से प्रश्न करेंगे, ये उनका विषय है। मैं ऐसे मैं इस तरह के राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण नहीं दे सकता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमारी लड़ाई इस चीज से नहीं है, हमारी लड़ाई बड़ी है। हमें भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उससे लड़ाई लड़नी है। हमें विपक्ष नहीं, विपक्ष हम विपक्ष है, हम लोग। अरे आप पे आरोप लगा रहे, इस पे कुछ नहीं बोलना है आपको, बोला कीचड़ी सफाई करने उतरे थे, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे आप। देखिए देखिए हम लोग राजनीतिक रूप से गंभीर व्यक्ति है और किसका क्या नेचर है, किसका क्या तरीका है राजनीति करने, हमारा मतलब उनसे नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ के मातृशक्ति के लिए, इनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये जो छींटा कसी की राजनीति करते हैं ये समाजवादी का चिंतन नहीं है। अच्छा तो इनकी जो सावधान यात्रा निकलने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है आपका, निकाय चुनाव में होने वाला, चौबीस चुनाव में? मैं इतना आपसे कह दिया, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा जो मर्जी कहे उनका विषय है। अच्छा उनका हर पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रवक्ता का अपना स्टैंड होता है, वो कुछ भी कहे, हमारी लड़ाई है ही नहीं। हम उनका नाम ही क्यों लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जवाबदेही किसके प्रति है, 30 करोड़ जनता के प्रति, किसान मजदूर युवाओं के प्रति, हम लोग उनके बारे में क्यों चर्चा करें? हम लोग ना तो उनके बात का जवाब देंगे। तो ये बयान देते रहेंगे कीचड़ जैसे शब्दों के बाद। जी ठीक है, हमारे ठीक है जी जोशी जी, हमारे साथ सुनील भाई जुड़े हैं। साई जी, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि सावधान यात्रा शुरू हो गई है, सपा का अधिवेशन भी 28-29 तारीख को होने वाला है। हालांकि बीजेपी लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है, वहां पर भी हमेशा घटनाक्रम चलता रहता है, बैठकें चलती रहती है, प्रयास चलते रहते हैं, उसका जो परिणाम आता है वो भी सुखद आता है। किस तरह देखते हैं सावधान यात्रा को, अधिवेशनों को? गौरव जी देखिए, कोई भी पार्टी अपने चुनाव को एक मद्देनजर रखते हुए या पार्टी के विस्तार को नजर रखते हुए जी कोई भी रथ यात्रा निकाले, कोई भी यात्रा निकाले, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और देश में उतना जनाधार बढ़ाने का सबको हक है, लोकतांत्रिक देश है जी। राजभर जी वही अपनी यहाँ से वहां तक जनाधार बढ़ाने की बात सावधान यात्रा या जो भी एक नाम दिया है उन्होंने जी वो कर रहे हैं जी। तो उससे घबराहट जिसको हो रही वो बयानबाजी कर रहा है। अच्छा उनके इस यात्रा से समाजवादी पार्टी को और उनके अलायंस को जो है घबराहट हो रहा होगा जी, क्योंकि आज जो है उनके साथ जो भी अलायंस के लोग थे, जिसमें केशव दत्त मौर्य जी थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, राजभर जी ने छोड़ दिया, लेकिन देखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात कि जो अलायंस था इनका, अभी इन्होंने बहिष्कार किया था विधानसभा का, लेकिन एक अलायंस पल्लवी जी थी, वो बैठी हुई थी सदन में, उनको बुलाया नहीं था, शिवपाल जी बाहर हो गए जी। रालोद क्या अभी भी संबंध इनसे बना हुआ है जी। और ओम प्रकाश जी छोड़ चुके जी। देखने वाली बात है कि स्ट्राइक रेट किसका बढ़िया रहा जी, ओम प्रकाश जी को कितने टिकट मिले और कितने विधायक जीते हैं जी, रालोद को कितने टिकट मिले, रालोद के कितने विधायक जीते जी। तो ये नजर आता है कि ओम प्रकाश जी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं जी, और पश्चिम में रालोद उतनी सहायता नहीं कर पाया जितनी इनको अपेक्षा थी, जितनी टिकट दिया जी। इसलिए पूर्वांचल में जो ये यात्रा निकल रही है तो समाजवादी पार्टी को कष्ट हो रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग ये तो बयान दे रहे हैं और अपने सम्मेलन और सभा की बात कर रहे हैं।
गौरव जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी बनाई तो उनका एक बेसिक फंडा था एम और वाई फैक्टर का जी। एम जब भी जुड़े हुए, आजम खान जी थे, बयानबाजी आपने सुना, जेल में गए नहीं, अब जो है देखिए वो माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलने गए और बड़ा कष्ट हो रहा है, जेल में मिलने नहीं गए जी। आज आते ही बाहर उन्होंने कहा कि भाई हमको तो अपनों ने लूटा, आजम खान जी ने कहा था जी, बिल्कुल। तो एम फैक्टर का एक बार गुस्सा 2009 में समाजवादी पार्टी देख चुकी थी जी। अब लेपन लगाने का काम हो रहा है, लेकिन आजम खान जी पूरी तरीके से छिटक चुके हैं और हमको लगता है कि शिवपाल सिंह जी के साथ उनका कुछ गठजोड़ होने वाला हो या मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं, हो रही हैं जी जी जी। इसको ये देखने वाली बात है कि एम फैक्टर 2009 वाला अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें गिर जाएंगी जी। दूसरे पर आता हूं, जो वाई फैक्टर था, शिवपाल सिंह जी अपने भाई वो किनारे हो गए और जिस वाई फैक्टर जो यादव महासभा थी एक जी, जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी रहे जी, उस यादव महासभा का अध्यक्ष लगभग 8-9 आदमी जो चौधरी हरमोहन सिंह और कौन कौन थे जो सपा से जुड़े रहे थे जी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के हाथ से वो भी छिटक गया जी। बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव जी इस समय उसके अध्यक्ष बना दिए गए। तो यादव वाई जो है शिवपाल सिंह जी और वो प्लस वो भी छिटक रहा है, इसमें राजभर जी की यात्रा हो गई है। आज सपा बौखलाई हुई है कि ये समीकरण जो एक्सट्रीम तक पहुंचा था, हमारा वोट बैंक बढ़ा था कुछ, हमारी सीटें बढ़ी 47 से ऊपर जाके, शायद ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से बढ़ गई। अच्छा, वो अब धूल दूसरित होगी क्योंकि राजभर जी गायब, एम कमजोर, वाई कमजोर। 2022 का चुनाव देखने के बाद 24 और आगे आने वाले चुनाव की इनको चिंता सता रही है कि अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो 3 सीटें हमारी लोकसभा में हैं वो भी बची रहेंगी या नहीं बची रहेंगी, ये उनके सामने ये दिक्कत है। ठीक ठीक है साहिब जी। अंकुर भाई, भाई आप किस रूप में देखते हैं, आप तो आपने तो कहा कि हम साथ साथ चलेंगे और जो पैदल मार्च हुआ अभी 23 तारीख, उसमें भी आप साथ साथ आए। हालांकि आपके नेता का कुछ समय पहले बयान जरूर आया था रामासी साय का कि हम निकाय चुनाव अलग लड़ेंगे, हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने भी कहा था कि जिलाध्यक्ष की सहमति से निश्चित किया जाएगा कि कौन लड़ेगा। तो क्या मानते हैं आने वाले समय में किस तरह से चुनौती देखते हैं, क्योंकि सुभाषपा अलग हो चुकी है और जो दल है उनकी बात भी अलग हो चुकी है, अपना दल की आपको शाही साहब बता ही चुके हैं किस तरह विधानसभा बैठी रही। तो क्या सोचते हैं आने वाले समय में रालोट की रणनीति रहने वाली है? भाई इनकी तो सावधान यात्रा निकल रही है और प्रसपा रिकुल पुनः जागरण से अपनी शुरुआत कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी का डिवीजन चल रहा है, आने वाले समय रालोट की रणनीति रहने वाली है? प्रथम नवरात्र है, प्रदेशवासियों और देशवासियों को आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद आपका। और हमारे जितने भी इस समय पैनल में डिबेट में बैठे हुए उन सारे भाइयों को और गौरव भाई आपको भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, जहाँ तक सवाल है शाही जी के विश्लेषण का और जहाँ तक जवाब है आपके सुभाषपा के जो प्रतिनिधि महोदय हैं उनके वक्तव्य का, तो सबसे बड़ी बात ये है आज की डेट में सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आपकी डिबेट को कौन देख रहा है? आम जनमानस देख रहा है। और आक्षेप किस पे लगाए जा रहे हैं? विपक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं? विपक्ष के उस दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं जिस दल को ये उम्मीद थी कि 2022 के चुनाव में, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आया था, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में है कि हम लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये समाज में कोई मैसेज नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये उस टाइप के लोग हैं जो आप समझ लीजिए कि जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं वाली स्थिति में, अंगूर मिले तो है बैराग बने हैं ना उनके लोग, अच्छा ही है ना उनका। गौरव भाई, मैंने विदाउट इंटरप्शन बात सुनी, तो जवाब आपने पूछा तो पूरा जवाब ले लीजिए। बोले बोले भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुहेल देव राजभर साहब की पार्टी चाहे जो भी यात्रा निकाल ले, उत्तर प्रदेश की जनता में आज की डेट में लोगों को उनका पता है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्तारूढ़ हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ब्लैकमेलिंग को नहीं माना तो वो वहां से भाग आए, वहां से वो निकाले जाते, बर्खास्त किए जाते, उससे पहले ही वो इस्तीफा देके अपना निकल लिया और एक तरीके से वो बर्खास्त गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाला,
समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने उनको बड़े सम्मान के साथ अपने गठबंधन में शामिल किया, उनको जितना उनका दायरा था उस दायरे के अनुरूप उनको सम्मान दिया गया, सीटें दी गई और उसी सम्मान और सीटों के आधार पे उनके जो विधायक जीते हैं वो विधायक जीत के विधानसभा में पहुंचे और इनके दल की आग बची रही। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ये मजबूरी है, आज सुभाषपा की ये मजबूरी है कि आपके सम्मानित चैनल पर बैठकर और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दे रहे, विपक्ष के पक्ष में लगातार अपने शब्द बेदी बार छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि अगर वो इस तरीके के बयानबाजी नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके दल को तोड़ देगी और वो अपने दल के इकलौते एकमात्र विधायक रह जाएंगे, एक ये स्वयं रह जाएंगे और एक इनके पुत्र जो है किसी सम्मानित पद पे वो रह जाएंगे, तो अपने दल की डूबती नहीं लग रही है। सुनील देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने डूबती नैया को बचाने का प्रयास कर रही है और उनको अपने विधायकों को बचाना इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शरणागत हो रहे हैं। जी अंकुर भाई, ये डर आपको लग रहा है कि यहाँ सुभाषपा वाला को लग रहा है कि कोई विधायक तोड़ लेगा? भाई साहब, हमारे विधायक तो धरने पे बैठ रहे हैं, विधानसभा सत्र में धरने पे बैठ रहे हैं और हर जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से एक भी बयान ऐसा आया हो जो भाजपा की तरफ बढ़ रहा हो तो आप बताइए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तो प्रवक्ता ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर है, वो सब लगातार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उनने भाजपा से तो उनकी कोई लड़ाई नहीं मान रहे, वो तो भाजपा को दूध का गला मान रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ देगी और भाजपा का खुला स्टेटमेंट खुला आता है, आप हमारी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप गंगा से जल से नहाए हुए हैं और अगर आप हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सबसे नकारा आदमी है। और ओम प्रकाश राजभर साहब की जो पार्टी है या उनके जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो बखूबी अपने सम्मान को बचाने के लिए और डूबती नैया को बचाने के लिए और अपने दल को खत्म होने से आपको यात्रा निकालेंगे नहीं निकालेंगे? आपको यात्रा निकालेंगे नहीं निकालेंगे भविष्य में? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग किसानों की पार्टी है, हम लोग आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, जहां पर आम जनमानस का कोई भी मुद्दा होगा हम लोग उनके साथ में खड़े हुए और अभी अग्निपथ अभी एक आम जनमानस का मुद्दा था, लखीमपुर के निगासन में दो बहनों की हत्या हुई थी, वहां पर कुछ दिखा नहीं हमको अंकुर भाई? मेरे ख्याल से गौरव भाई जी आपने प्रतिनिधि मंडल गया था, सुनिए आपने देखने का प्रयास नहीं किया? हम बिल्कुल देखा अंकुर भाई, वहाँ खाना पूर्ति हुई, सारे विपक्ष ने खाना पूर्ति की है वहाँ पर, मैं देखने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आहत हूँ इस चीज से, बिल्कुल आहत हूँ। ध्यान से नहीं दिए दुनिया कांड में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, यहाँ कोई नहीं गया था अंकुर भाई, बोलिए क्या? तो भाजपा के मुख्यमंत्री गए क्या वहाँ, या भाजपा के दो दो उप मुख्यमंत्री इन तीन लोगों में से? अरे भाजपा से हमें क्या मतलब भाई, अब तो विपक्ष ने आपको बैठाया नहीं बैठाया है, अरे सत्ता नहीं तो आप तो जाएंगे, आप भाजपा से सत्ता से जवाब, भाजपा के मुख्यमंत्री तो उसमें भी नहीं गए थे, मुख्यमंत्री भी नहीं गए थे, दो मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री है, एक हारे हुए उप मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री बना दिया है, कम से कम उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनकी व्यवस्था बना दी, हारे हुए को राज्यसभा भी सपा ने बना दिया है, नहीं हारे हुए तो राज्यसभा उच्च सपा की अनुकंपा पर राज्यसभा कौन गया है, हारा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एमएलसी बन के बैठे रहे हैं, वो भी उच्च सदन में, अरे हारा हुआ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ना, जो मथुरा की जनता ने हरा दिया, बागपत की जनता ने नहीं वो किया, वो हारे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका बंगला हट गया था। सुनिए, हारे तो परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, अरे तो अभी आपने कहा ना हारे हुए जी उप मुख्यमंत्री, मैंने कहा कि हारे हुए तो आपके पास भी है, तो हारे हुए मुख्यमंत्री और इलेक्शन जीत के आपने इलेक्शन में इतनी वोट ला देते कि हमारे राज्यसभा सांसद ना बन पाए होते, आपने क्यों कंटेस्ट किया, आपको हरा के ही तो वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। जी जी ठीक है, आप बताइए, हरीश रावत आपके इलेक्शन हार गए तो हरीश रावत को आपने जनभावनाओं के विरोध में बैठाला नहीं बैठाला? नहीं, हारने के बाद उनको आपके आदमी नहीं रहे तभी तो एमएलसी बने हैं, जैसे राज्यसभा बने अनुकंपा पर बने और हमारे एमएलसी अनुकंपा पर नहीं बने, पार्टी ने बनाया है, करता हूं आपसे, मुझे सब पता रहता भाई, कौन सा तोप मार दिया था जनता जनार्दन के बहुमत का अपमान। ठीक है ठीक है अंकुर भाई, ठीक है अंकुर भाई, ठीक है, धन्यवाद। प्रवक्ता प्रस्पा इकलाक भाई, भाई क्या करेंगे, अधिवेशन दोबारा शुरू हो गया है, सदन यात्रा शुरू हो गई है और आपने भी यरकुल पुण्य जागरण शुरू कर दिया है यादव बोर्ड में सैन लगाने के लिए, हम तो सैन ही मांगेंगे क्योंकि अगर आपकी यात्रा सबके लिए होती तो यरकुल नाम ना होता, सरदम नाम होता, कैसे देखते भाई सावधान यात्रा को, अधिवेशनों को? गौरव भाई पहले मैं कहना चाहूँगा यदुकुल पूर्ण जागरण मंच को लेके नाम से मुझे लगता है कि आपको बहुत भाई नाम बिल्कुल भाई नाम है तो कहूंगा भाई नहीं ना, और मैंने बताया आपसे खबर भी सुने का माध्यम ही यही है भाई, नाम तो कहूंगा कहूंगा, मैंने पहले भी आपसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि यदु भगवान श्री कृष्ण जी का नाम था तो उनके नाम से शुरुआत की गई है और इसमें केवल यादव समाज नहीं, हर पिछड़े वंचित शोषित लोग जो हैं
यादव समाज के लोग हैं, वर्मा समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कई लोग हैं जी। हमारी देखिए इस तरह के मोर्चे पहले आदरणीय नेताजी बनाते थे, तो भगवान श्री राम की तरह जैसे देखिए जिस तरीके से भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते थे, अच्छा आदरणीय नेता जी के साथ शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा उसी तरीके से रहे, उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के विचारों को आगे लेके चले। तो जिस तरह ये इस तरह के मोर्चे पहले आदरणीय नेताजी बनाते थे, सभी लोगों को एक साथ लेते थे। और रही बात आपने कहा सीट, जरा एक बार दोहरा दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहे थे। देने की मांग की गई थी भाई शिवपाल जी को, सीट आगे बढ़ाई जाए, सीट आगे दी जाए, हालांकि आप लोगों ने नकार दिया, आपने कहा हमको सीट नहीं चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो देखिए मांगा ही क्यों सीट जी, अगर सीट देना ही होता, अगर दिल में इज्जत किसी के हो तो वो तो किसी को भी, भाई 111 विधायक इनके हैं, किसी को भी हटा के बैठा सकते हैं जी। उसके लिए बीजेपी या माननीय सदन अध्यक्ष जी को पत्र लिखने की क्या जरूरत है जी। पत्र लिखने में तो खैर समाजवादी पार्टी आगे रहती है, अच्छा देना कुछ नहीं है, और अपमान करने में तो कभी पीछे रही नहीं है। बार बार डेट देते रहते हैं, हमने डेट दिया, फलस्वरूप उसका इन्होंने देखा कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का इन्होंने सम्मान नहीं किया जी, कहां है समाजवादी पार्टी। हमारे नेता ने सदन में भी कह दिया था अगर उनका साथ सही से ले लेते तो जो सत्ता में विपक्ष में बैठे होते और विपक्ष वाले सत्ता में बैठे होते। पुराने लीडरों का देखिए सम्मान करना चाहिए, और यदुकुल पुनर्जागरण मंच जो है उस पर जो हम लोग की मांग है वो जाति जनगणना को लेके है, अही रेजिमेंट को लेके है जी। हर घर से एक बेटी या बेटे को नौकरी देने की मांग धरातल पर उतरेगी नहीं लगातार हमारी देखिए मीटिंगें चल रही, एटा में भी हमारी मीटिंग थी, हम पर भीड़ भी थी, वहां पे बात हुई, संबल में हमारी दो मीटिंगें कल हुई हैं, आप देखिएगा वहां भी हम इन सब मांगों कर रहे हैं। और जिस तरीके से घर से एक बेटा या बेटी को नौकरी देने के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी करी जी, तो वो भी हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे उसकी रूपरेखा क्या होगी। अच्छा। क्या सिर्फ वो बयानबाजी रह जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, या उसको धरातल भी लाने काम करेंगे। ठीक है भाई, दिलीप हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद है। दिलीप भाई, महत्वपूर्ण चर्चा है और विशेषज्ञ के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषज्ञ बताएगा कि जो घटनाक्रम है, अधिवेशन की बात करें चाहे यदुकुल पुनर्जागरण मंच की बात करें या सावधानी यात्रा की बात करें, किस रूप में देखते हैं इसको। गौरव जी, जो राजनीतिक परिवेश है इस समय हमारे देश में जी, इस परिवेश में किसी भी गठबंधन का बन जाना जी और उसका टूट जाना जी बहुत महत्व नहीं रखता है। जी बिल्कुल, जो बन गए हैं उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये टूटेंगे नहीं, और जो टूट गए हैं उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये भविष्य में फिर जुड़ेंगे नहीं जी। ये उठापटक हम पीछे भी कई बार देख चुके हैं, जब जब इस देश में इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो ऐसे ऐसे लोग एक साथ आ जाते हैं जिनकी कभी परिकल्पना लोग नहीं कर पाते, और जनता जिनको वास्तव में हजम नहीं कर पाती है, शायद इसी वजह से वो गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाते। अब रही बात जो यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है, जो सम्मेलनों का दौर शुरू हो रहा है, इसको आप राजनीतिक जिम्मेदारी कह लीजिए या राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, जनता के बीच अपनी धमक बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बताने के लिए कुछ ना कुछ जनता के लिए करना है, जनता के नाम पे करना है, जनता के लिए जनता के नाम पे करना है, प्रजातंत्र के कंधे पर चढ़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना, यही करते आए हैं। लेकिन इन्हें ये समझने की, देखिए जो छोटे दल है जी, छोटे दलों की ये मजबूरी होती है, उन्हें ये पता होता है कि अगर वो एकल चुनाव में कूदेंगे तो सरकार तो वो बना नहीं सकते, इतनी सीटों पर वो लड़ते नहीं है, तो उनकी ये मजबूरी है कि वो किसी ना किसी राष्ट्रीय बड़ी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उसके साथ गठबंधन करेंगे या आपस में मिलकर गठबंधन करेंगे, तभी उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो आगे बढ़ पाएगी, और इसी तरीके से सने सने बढ़ती है। अब जो सुभाषपा की यात्रा यहाँ से लेकर के बिहार तक निकल रही है, उन्हें ये सोचना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें यात्रा बिहार लेके नहीं जानी चाहिए, पूर्वांचल उनका मजबूत है जी। बिहार जाकर के अगर वो ये सोच रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे, तो मुझे लगता है ये रणनीति गलत है। उसकी जगह अगर वो उत्तर प्रदेश में भी जड़े जमाते, क्योंकि अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, वो सफल नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी किया था, वो भी सफल नहीं हुआ, तो ये दोनों गठबंधनों के टूटने का फायदा सुभाषपा बहुत अच्छे तरीके से उठा सकती थी, और उसको जो सोने पे सुहागा होता, वो जो यादव परिवार से जो टूटे हुए लोग हैं, जो समाजवादी से टूटे हुए घर के लोग हैं, वो इनके साथ अगर आ जाएंगे तो इनकी लड़ाई को और मजबूती मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी उठा पटक या जिद्दोजहद है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए है, पहले बचाने के लिए और फिर बढ़ाने के लिए। बीजेपी के लिए कहां से चुनौती बनेगी इस तरह की?
देखिए बीजेपी के लिए चुनौती, आपने सुना दो बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा होता है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो यही है। अच्छा। ये जो पार्टियां हैं ये आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे के वोट को काटती हैं। अब जैसे प्रसपा ने ये जो यदुकुल यात्रा, यदुकुल जो किया है इन्होंने, और अभी एक यादव जागरण मंच था और एक यादव सम्मेलन भी किया गया, तो ये वोट बैंक मेजोरिटी में किसका कटेगा? समाजवादी पार्टी का कटेगा। इसी तरीके से ये लोग आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि जो सत्ता होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि वो सरकार के खजाने पे बैठा होता है, और वो सरकार के खजाने का इस्तेमाल सामाजिक लाभ देने के नाम पर राजनीतिक लाभ के लिए भी करता है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये काम कर रही है, लोगों को खाना दे करके, उनको टॉयलेट दे करके, हालांकि ये सुविधाएं देना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हित भी है इसमें, और वो राजनीतिक हित उनका पूरा हो रहा है। जो नीचे तबके की जनता है, जिसको साधने की कोशिश सुभाषपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, प्रसपा भी कर रही है, रालोद भी कर रही है, उनको एक्चुअल में जो लगाव है वो उस बात से है कि उनके घर में राशन आ रहा है, उनके खाते में पैसा आ रहा है, उनके घर पे छत मिल रही है, उनको टॉयलेट मिल रहा है, उनके बिजली गांव तक पहुंच रही है, गांव तक सड़क पहुंच रही है, और वो कौन दे रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट बैंक चला जाता है। ठीक है, जरा मैं कुछ बात बोल रहे थे, उसके बाद सुरक्षा सभा को लेता हूं। बोलिए। देखिए, मैं आरएलडी के प्रवक्ता अंकुर भाई से कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही जी। पहले तो ये हमारे भाई ये क्लियर कर दें, आप 38 सीट लड़ते हैं और स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी 17 सीट लड़ती है। हम जीते हैं 6, आप जीते हैं 8 जी। अब आप बता दीजिए कि मताधिकार प्रयोग में या वोट बैंक की सेध में या अगर सब कुछ जोड़ा जाए तो आप आगे हैं कि सुभाषपा आगे हैं? दूसरी बात, यही आरएलडी है, राज्यसभा के लिए आपको मिल गया तो आज आप उनकी दही मीठी बता रहे हो, चीनी डला हुआ। हमको नहीं मिला, हम खट्टा बता रहे हैं। राजनीति में आदान और प्रदान का दोनों भूमिका होती है, अब बगैर इसके जो है गौरव भाई चलता नहीं है। क्योंकि अगर हम राजनीति कर रहे, शासन सत्ता में है, तो हमारे लिए जरूरी है। और हम हर कोई पार्टी करती, चाहे बीजेपी हो, सपा रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, जितनी भी पार्टियां रही हैं, साईं जी बैठे हैं, कौन नहीं चाहता? अगर हम राजनीति कर रहे तो हमें सीट शेयरिंग चाहिए, और सीट नहीं मिलेगी तो हम आपके साथ क्यों जाएंगे? लेकिन बात जो कर रहे हैं, आप पश्चिम लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेल लड़े, खड़े लड़े, हम तीनों की बता रहे हैं। आप तीनों की तुलना कर लो कि आप कितनी सीटें जीती, कितने लड़ करके, और पूर्वांचल में आप आते हैं, कितने सीट लड़े और कितनी सीटें आई, तो कम से कम आकलन करना सीखिए राजभर के बारे में। अरे राजभर तो वो चीज है, आप हमको बता दीजिए, 4 बार सत्ता में समाजवादी रही, भाजपा भी है, मैं भाजपा को भी कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। मैं साईं जी से चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, हमारे नेता, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में इस बात को कहते हैं, जनता के बीच में कहते हैं, साधारण यात्रा के बीच में कही जा रही है कि उन पिछड़ी जात को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, समाजवादी पार्टी के 111 विधायक है, एक भी विधायक बताइए 111 में से जो है 58 विधायक पिछड़ी जात से है, क्या वो 58 विधायकों की इतना भी हिम्मत नहीं पड़ा कि अपने लोगों की समाचार उठा सके वहां पे? भूल गए होंगे। और भूल गए। दूसरी बात, हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अब दूसरी बात आप ले लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का अनियमितता बार बार हम उठाते हैं। आप क्यों नहीं उठाते भाई? मैं यही बात कर रहा हूं, बार बार उठाते हैं। सारा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उठाती, हम ये जानना चाह रहे हैं जी। इसका कारण ये है, इनके शासनकाल में भी अनियमितता थी, अच्छा, भाजपा के शासनकाल में भी अनियमितता थी, तो ये कैसे उठा लेंगे इस बात को? 69,000, 68,500, 12,360 जो शिक्षक भर्ती में अनियमितता पाई गई, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने जांच में माना कि अनियमितता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि अनियमितता हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना, ठीक है, लेकिन इसको सदन में चर्चा का विषय क्यों नहीं हो रहा है? भाई इसको आप एक यात्रा और निकाल लीजिए ना, अभी सावधान यात्रा निकाले, इसके लिए भी यात्रा निकाल लीजिए। हमारी इसी यात्रा में हम सारी चीज सावधान कर रहे हैं, अच्छा, कि आपके हक अधिकार को, हकूक की लड़ाई कौन लड़ रहा है उत्तर प्रदेश, अच्छा, में देखिए, अच्छा, बार बार समाजवादी पार्टी अभी हमारे कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना, हमारे प्रिंसिपल के भाई बैठे हैं, ये कह रहे हैं जातिवादी जनगणना, माफ करिए, आप भी समाजवादी के साथ में 4 बार सरकार रही है, आप बताइए 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई समाजवादी पार्टी ने? हम आपसे भी मांग करते हैं, हम भाजपा के साथ थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तब भी लड़ते रहे, आज भी लड़ते हैं, हम मांग से कभी पीछे नहीं हटे, सरकार में बैठे हुए लोग देते हैं तो ठीक।
ठीक ना दे तो ठीक, लेकिन हमने आवाज उठाई है उनकी, इसलिए हमारा जोर बनता है उनके वोट लेने का। ठीक है ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जोशी जी कुछ बोलना चाहते थे, सुनील शाही भाई को लेता हूँ, बोलिए। जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे से हम जो भटक रहे हैं, आज ये योगी सरकार का जो 2.0 का जो सरकार चल रही है उसके 6 महीने कम्प्लीट होने पर ये मुद्दा था। और मेरे को लगता है कि देश और प्रदेश अपना बड़ा कीमती समय लेके आपके चैनल को देखना देखता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस प्रदेश को क्या कौन कर रहा है उसकी स्थिति को बताने का काम करें। हम बताना चाहते हैं योगी सरकार का जो फेलियर है वो सभी पूरी सरकार जो है फेलियर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो, अरे योगी सरकार पे क्या योगी सभा में आ रहा है ये आपको, ये आपको कीचड़ बोल डाले हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला में बोल सकते हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के लोगों को बोल सकते हैं। आप इस पे बात करिए ना, जो फैक्ट है, जो बच्चे परेशान है पीड़ित है उसकी चर्चा करिए ना। आप सदन में तो वॉकआउट करते, जब क्वेश्चन काल होता तो वहाँ सवाल नहीं ताकते और आकर के ड्रामा करते हैं। ड्रामा नहीं चलेगा जी, बोले उत्तर प्रदेश की जनता ड्रामा नहीं चाहती, उसका हक अधिकार कब मिलेगा जी? आप बोले 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 आप एक जिम्मेदार चैनल है, ये मेरा टर्न है, इसका टर्न है, आपका टर्न है, आपका टर्न है। बोले 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 इतने शिष्टाचार है क्या थोड़ा जी? बोलिए, मैं आपसे बहुत गंभीर विषय चल रहा हूँ मैं आपके चैनल में। बोले 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 मैं पूछ रहा, मैं हम लोग वहाँ पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, हमारे जो नेता विधायक, अगर सड़क आप ये देखिए हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अगर वहाँ पर आपको बताता हूँ उनका फेलियर कहाँ कहाँ पर है। पहले तो इनके मंत्रियों पर ही आ जाते हैं, आपने देखा होगा इनके स्वास्थ्य मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे सांसद नहीं है, हमारे पहले होंगे। निश्चित तौर पर संवैधानिक संकट हो जाता है, क्योंकि आपने अगर आपके मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है तो वो विभाग के मंत्री को बनाए, जो विभाग के मंत्रियों को ये नहीं पता चलता उनके विभाग के ट्रांसफर कौन कर रहा है, तो ये बड़ी एक संवैधानिक संकट की बात आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर फेल हुआ। मैं आपको मीनू जंगू मॉल की घटना आपने देखी होगी, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। आपने देखा होगा कानपुर की घटना को, आपने देखा होगा इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। और अभी अभी आपने जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। साहब बोले 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में पहले तो भुगतान चला दी और हमारी बेटी की हत्या हो जाती है। सबसे पहले मामले अखिलेश यादव जी ने विषय का संज्ञान लिया और अधिकारी गए नहीं, अखिलेश यादव जूही सिंह को भेजे थे बस। और उसके साथ सत्य बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की नेता आदरणीय जूही सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले चुकुनिया कांड में तो अखिलेश जी जा रहे थे, जूही सिंह नहीं जा रही थी। चुकुनिया कांड में अखिलेश जी जा रहे थे, जूही सिंह नहीं जा रही थी जी। मैं आपसे बता रहा हूँ कौन पार्टी वहाँ पर लोगों के मामला राजनीतिक था, यहाँ मामला गरीब का था, है ना? यहाँ मामला गरीब का था, वहाँ राजनीतिक था मामला था। नहीं 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 गौरव जी, मामला न गरीब का था न राजनीतिक था जी, वो मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार से जुड़ा हुआ था और ये तुष्टिकरण के परिवार से जुड़ा हुआ था। अच्छा, सारे आरोपी जो है एक समुदाय के थे। अच्छा, वहाँ कैसे ये विरोध में जा सकते हैं उनके? अच्छा, इनको तुष्टिकरण की राजनीति वैसे ही एम खिसक रहा है और वो सारे एम थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एम के खिलाफ कैसे जाएंगे जोशी जी के नेता? आप देखिए ना उनके रिपोर्ट में क्या क्या कह रहे हैं, एक लड़की की हत्या कर दी उनके उत्तराखंड में उनके मंत्री ने, ये कैसा प्रदेश देख रहा आपका आचरण को? आप इस तरह की बातें मत करिए, आप गंभीरता से जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, हमने वो पार्टी के लोग नहीं थे, आपसे प्रश्न नहीं करेंगे हम, सत्ताधारी पार्टी के लोगों से प्रश्न करेंगे। लगातार आप परीक्षा में आप बोलिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज छात्र जो है अटल टेंट है 400% इनर्जी बना दिए जाना विश्वविद्यालय में, बताइए गरीब बच्चा कैसे पड़ेगा? ये देश और प्रदेश में बहुत बड़े प्रश्न है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न लगा करके
जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। उत्तराखंड गांधी पार्टी से प्रश्न कर रहे हैं और जनता उनको बताने का काम करेगी कि हमने वोट आपसे भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करने के लिए करे थे या फिर समाजवादी पार्टी से प्रश्न करने के लिए करे। तो आप वॉकआउट करते रहेंगे या नहीं करेंगे जोशी जी? आप कहना चाहते हैं जी, चले ठीक है, बहुत समय पर प्रदर्शन शुरू हुआ, हम भी देखें कब तक जारी रहता। ठीक है अश्विनी शाही साहब, जवाब दीजिए। जी बोलिए गौरव जी, मैं जोशी जी की बात पूरी तरीके से साफ नहीं सुन पाया हूँ। जी जो आपने बीच में बोला तिकोनिया और उसका, इसलिए मैंने जवाब दिया। जी थोड़ा सा इनका सारांश हमको बता दीजिए, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, तो मैं जवाब। भाई इनका कहना ये था कि जो हम आवाज उठा रहे हैं वो उठाएंगे आवाज, फीस वृद्धि की बात कर रहे हैं जो वहाँ प्रयागराज में हुई है, इसके अलावा जो अन्य महिला सुरक्षाओं की बात कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कहना है कि हम सक्रिय हैं और सक्रिय रहेंगे और सदन से लेकर और धरातल तक हम आवाज उठाते रहेंगे, ये कहा। जी जी बहुत अच्छा है जी, जोशी जी की पार्टी कम से कम जो है अपने कुछ आंदोलन के स्वरूप में तो आई अपने ड्राइंग रूम से निकलकर। जी यहाँ तो अब राजभर जी गलत हो गए क्योंकि वो कहते थे कि एसी से निकलिए, यानी कि राजभर जी की बात उन्होंने मान लिया, राजभर जी की बात मान लिया है। 8 महीने हो गए, हाँ 8 महीने हो गए, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं जी। लेकिन सदन में तो हमने देखा दो बातें जी, एक तो सदन के बाहर ड्रामा करने की बात इन लोगों ने ड्रामा किया। अच्छा, पैदल जाएंगे और चरण सिंह जी के जो है चरण के नीचे बैठेंगे, लेकिन वहां पर कई हजार समर्थक लेकर पहुंच गए, विधायक लोग नहीं पहुंचे, धरना देंगे तो धरना स्थल पर धरना देना चाहिए, बड़ा ड्रामा किया बाहर जी, और अंदर भी सदन में ड्रामा किया जी। सवाल तो पूछ लिया जी, लेकिन जब सत्ता पक्ष जवाब देने खड़ा हुआ तो धीरे से निकल लिए पतली गली से। अच्छा। क्योंकि वो जवाब में इनके पास इनकी कलई खुल रही थी, ये लोग सुनना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वॉकआउट कर गए। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी का जो असली चरित्र है वो आ गया सामने। अच्छा। इस तरीके से पिछली बार सवाल जवाब हुआ तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से बुरा भला कहते हुए निकले, अपने आचरण का और बड़े सु आचरण का वहां पर दिया परिचय। और इस बार देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में सवाल करना बहुत शानदार है जी। मैं देख रहा था माननीय अखिलेश जी को, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कई सवाल पूछे, पूछना चाहिए, लेकिन सवाल का जवाब भी सुनना चाहिए। सवाल का जवाब में जोशी जी तो बड़े सीजेंट आदमी है, हमारा जवाब सुनेंगे, दूसरा कोई अखिलेश जी होते तो भाग गए होते अभी। अच्छा। तक अब अखिलेश जी को चीता और बिल्ली में फर्क नहीं है। अच्छा। तो भाई अब वहां पर कैसे फर्क कर पाएंगे कि अच्छा सुशासन है कि कुशासन है। अच्छा। उन्होंने अपने समय में कुशासन किया तो वही अब भी दिख रहा है जी। दंगा मुक्त राज्य NCR भी कह रहा है, आज इतना बड़ा कहीं भी कदम उठाया नहीं गया, जहां पर संगठित अपराध खत्म कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, अकेले पूरे देश में जी। लेकिन उसके बाद भी अगर कमियां नजर आ रही हैं तो बहुत अच्छी चीज है जी। आप अच्छा 111 सीट है आपके पास, आप आइए जनता के बीच में। 2022 के चुनाव के पहले भी आपने उठाया जी, ये प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, कहते रहे, जनता ने नहीं सुना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। अब वो जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है, 47 शायद अब पता नहीं राजभर जी के वजह से आपके वजह से 111 हो गया जी। वो नहीं पता है, लेकिन जनता बहुत जानती है, जो 3 सीट आपके पास है 2024 में उसको भी शून्य करने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती। ठीक है जोशी जी, अपनी बात पूरी करिए, क्या कहना चाहते हैं, बाकी मेहमान को लेता हूँ, बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रवक्ता साथी है, हमारे छोटे भाई है साई जी, ये प्रमाण पत्र बांटे, बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण पत्र यहाँ पर बांटे अन्य पार्टी के लोगों को, इससे तौर पर हमें फर्क नहीं पड़ता है किसको क्या प्रमाण पत्र देता है। हमारी जमानत भी केवल बनती है तो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए, किसान मजदूर युवा विद्यार्थी मात्र तत्व के लिए, जिन्होंने हमको मजबूत विपक्ष बना के लिया, उसकी लड़ाई पर माननीय अखिलेश यादव जी के बिल्कुल करते, लड़ाई कैसे लड़ेंगे भाई, फिर वॉकआउट करते रहे, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जोशी जी, बोलिए। अच्छा। आप ये बताइए कि कौन सड़क में लग रहा है, सदन में लग रहे हैं कौन, कल जाते मानते माननीय अखिलेश यादव जी के पक्के बने, चल रहे प्रश्न नहीं करे,
लेकिन तौर पर उन्होंने कौन कौन से मुद्दे भी उठाए आप बताइए। हम लोग सत्ता में नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा मरहम लगाने का जो योगी सरकार द्वारा पीड़ित है, अगर वो किसी नेता ने उत्तर प्रदेश में रखा है तो केवल केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी स्तर पर मदद करने का काम करा है। क्या आप इससे पत्रकार है, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि पार्टी की बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, सारा घटनाक्रम जानता हूँ जोशी जी, सारा घटनाक्रम जानता हूँ, कहाँ अखिलेश जी जाते हैं, कहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं ये भी जानता हूँ जी, ये भी जानता हूँ कहाँ अखिलेश जी जाते हैं, कहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है ये भी जानता हूँ। बोलिए, लंदन नहीं गया, बहुत दिन हो गया। मैं जानता हूँ इस बात को, 1 जुलाई, 1 जुलाई आएगा जी। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा 1 जुलाई, 1 जुलाई जी। हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी जिन दिन तक योगी सरकार के द्वारा जी कह उठाया गया, अरे शाही साहब बोले लंदन नहीं गए, जोशी जी शाही साहब बोले अखिलेश जी लंदन नहीं गए हैं, 1 जुलाई को जाएंगे। मैंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं, मैं आपके साथ कभी भी बचकाने सवाल नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री है, कितने मिनट छुट्टी बताया उन्होंने जरा बता दीजिए, और ये तो मुख्यमंत्री होते हुए कितनी बार लंदन गए, इसलिए सवाल उठाना पड़ता है। जिन पर जिम्मेदारी थी, जिन पर जिम्मेदारी थी काला धन लाने की देश के लिए, ठीक काला धन मुद्दा नहीं है भाई, आता रहेगा। आज आज वो आज आज वो विदेश से सेल लेके आ रहे हैं, अरे 2 करोड़ नौकरियां के लाते जी, ठीक है, 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 ठीक है भाई। अंकुर भाई कुछ कहिए भाई, अंकुर भाई बहुत देर से आपकी आवाज़ नहीं है, बोलिए। मुस्कुरा रहे थे आप बैठे बैठे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे भाई, शाही साहब की बात पर मुस्कुरा रहे थे आप, शायद अंकुर भाई का नंबर नहीं लग पा रहा है। इकलाक भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव भाई, अभी मैं दिलीप भाई की बात मैंने सुनी जी, इन्होंने कहा कि हम यादव या जितने भी समुदाय हैं उन पे उनको खींचना चाहते हैं अपनी तरफ जी। तो देखिए, यादव समाज हो या मुस्लिम समाज हो, समाजवादी पार्टी का बिल्कुल वोट था जी। कब तक वोट था? जब तक आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में पार्टी थी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे और अन्य बड़े नेता थे। आज के दौर में क्या समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों की आवाज़ उठा पा रही है जी? चाहे वो यादव समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, आदरणीय आजम खान साहब की भी तो बोले हैं कि आप भी तो 4 बार सरकार में रहे हैं, क्या गलत बोले? आदरणीय आजम खान साहब की भी आवाज नहीं उठा पाई जब तक वो जेल के अंदर थे। आज दूसरी विषय क्या जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, चाहे यादव समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो जी। कोई भी अपना काम करना चाहता था, अगर उसको न्याय दिलाने का काम हो तो वो हमेशा से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हम आप आज स्टूडियो में वो बेशक किसी न किसी काम के या किसी न किसी कार्यकर्ता के साथ ही बैठे होंगे। और दयाराम भार्गव भाई ने हमारे बात कही तो मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लिखित में लेंगे कि कल को अगर जो आपको ये चीज़ देगा तभी आप उसके गठबंधन में जाएंगे? अच्छा, ये हमको दयाराम भार्गव साहब बता दें कि अगर लिखित में वो तो बुराई कर रहा है, वो तो लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ बात कर रहा है, वो आप कह रहे हैं उनके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया, मैंने गौरव भाई ये नहीं कहा कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा किसी के भी साथ जाए, वही कह रहा था आपको, कह रहा था आपको यही रहा, किसके साथ जाएंगे भाई? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जी 15 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि पिछड़ी जात के 27% रिजर्वेशन में से केवल 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, उस समय आप भी सत्ता में थे। अच्छा, केवल आपकी बात आपकी बात सब सही है, मगर आने वाले समय में क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे? बीमारी वही से अगर ठीक कर दी होती नहीं, आने वाले समय में क्या आप ये गारंटी लेंगे कि जो आपका साथ देगा हो जाएगा? ठीक किए होते शायद आज राजभर्जी को ये बीमारी उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, अरे भाई डॉक्टर रखते, बढ़िया ट्रीटमेंट होता, ऑपरेशन होता, जाहिर सी बात उसको बीमारी नहीं होती। आज ये उत्तर प्रदेश में बीमारी बनी हुई है, इसलिए इस बीमारी का निवारण के लिए राजभर्जी आ गया है। अच्छा, दूसरी बात, 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी, तब भी आप सरकार में थे, 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गरीब का बेटा अमीर का बेटा प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़े, इसको लागू करो। आपने लागू नहीं किया। आप अपने देश में देखिए, जब एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, अरे उनपे के जा रहे हैं, आप भी तो सत्ता पर चल रहे हैं, आप लागू करा है, आप लागू करा पाए थे, मैं बता रहा हूँ, हम भाजपा के साथ, आप भी 3 साल संघ में रहे, आप लागू करा पाए, हम 18 महीने रहे,
हाँ, हम 18 महीने अठारह महीने रहे, आप लागू करा पाए? आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, इन्हीं इन्हीं मुद्दे को लेके पार्टी से मांग करते रहे, हमको गट्टा नहीं मिला, हम अलग हो गए। और आज हम समाजवादी के साथ गए, बड़ी चर्चा होती थी कि समाजवादी में पिछड़ों का बड़ा, हार गई तो आप वापस आ गए, हार गई वापस आ गए। लेकिन हमको बता दे जी, हमारे भुवन भास्कर जी बैठे हैं, हमको बता दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरे वो भी जानते हैं, हार गए वापस आ गए, सरकार ने वापस आ गया जी, अखिलेश यादव जी, जी कि कश्यप को सीट दे दीजिए, कश्यप बचता है तो उठे, और ये जिता करके आपको सदन में सरकार बनवाएगा। नूरा कश्ती करते रहे अखिलेश यादव जी, केवल नवरत्नों की बात सुनते रहे, नवरत्न बुलाते थे, उनसे पैसा लेते थे, टिकट देंगे उनसे, इस तरह आरोप लगा रहे खुले आम आप। और ये सच्चाई है, अच्छा ये सच्चाई है, इसका कारण ये है कि नवरत्नों ने दूध दुआ, उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर दिया, जाओ राज भर के हाथ सीट जो मिली उसमें लड़ लो। अच्छा, तो मैंने बताया ना कि रसड़ा का विधानसभा जी आपके सामने है, हमने खड्डा विधानसभा को बोला सामने है, कर लीजिए ना जी, आज भी वहां पे जाके पता कर लीजिए क्या स्थिति में। अरे अगला कदम क्या रहने वाला है, सपा पे की जो उछाल लिया गंदगी से कर दिया। हम देखिए जी, हमारा काम है, हम स्वयं भारतीय समाज पार्टी सरकार नहीं बनाई है। अच्छा, जितने लोग बैठे सब सरकार में सरकार चलाए हैं भाई। अच्छा, हम तो 18 महीने भारतीय जनता पार्टी सरकार रुकते कहाँ है यार। सुनिए सुन लीजिए, हम जो कहना चाह रहे सुनिए, हमारा कहने का मतलब जो बीमारी है वो बीमारी कैसे खत्म होगी, उस बीमारी को दुरुस्त करने का तरीका राजभर जी लेके आ रहे हैं। अभी बताइए, हमारे देश में प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौकरियां नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है, मुखिया की मांग है, रोजगार परक शिक्षा लागू हो देश और प्रदेश में, क्यों नहीं करते? अच्छा, तमाम तरीके हैं, सुझाव हम दे रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं, और जिस तरह हम लोग भूमिका उठा रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ ही, समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस का रेडी आए ना इस मुद्दे पे, कहिए रोजगार परक शिक्षा लागू करिए। विपक्ष में जब 4 दिन का आप रोड पे आ गए, वो भी आएंगे, परेशान ना होइए, वो भी आएंगे। अंकर भाई आप जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सुभाषपा के लोग जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पे एक भी आक्षेप या एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैंने बोला सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की, मैंने बोला ऐसा नहीं है, हमने बोला और आपकी कमियों का नतीजा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आपकी कमियों का नतीजा। सुन लीजिए अंकुर भाई बोल रहे हैं, सुन लीजिए, समय कम है, सुन लीजिए, जल्दी बोलिए। डिबेट करने का तरीका ही नहीं आता अगर आप इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे जी। बोलिए 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 अंकुर भाई। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता सुभाषपा जो है आज की डेट में ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ी चल रही है उस पे हम किसी तरीके से स्टेपनी बन जाए। अच्छा। अब ये भारतीय जनता पार्टी पे निर्भर करता है कि वो सुभाषपा को स्टेपनी के रूप में अपने साथ रखती है या नहीं रखती है। ये तो बाएं फैलाए हुए उनके चरणों पे चरणागत पड़े ही हुए हैं। अच्छा। भाजपा इस बात पर इनसे बार्गेनिंग कर रही है, वो ये स्वाभिमान यात्रा इस बात के लिए निकाल रहे हैं कि ये भाजपा को दिखा सके कि भाई मेरे साथ इतने हजार का, इतने सैकड़े का, इतने 10-50 लोगों की जनता का मेरे साथ समर्थन है, और भाई मेरे को एक टिकट दे दो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे एक सीट दे दो, और मुझे अपने उत्तर प्रदेश सरकार में भी सत्ता ले लो। आज की डेट में तो उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूछ रहा। दिलीप भाई, आपने पूरा घटनाक्रम देखा और देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जा रही है। पर महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर, जैसा आपने अपने पहले बयान में भी कहा, पहली बार भी आपने यही कहा कि गठबंधन की मनसा यहाँ बदलते रहते हैं, कब कौन सा गठबंधन जुड़ जाए, कब हट जाए, ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पुराना जो है दाव रहा है। क्या मानते, किस तरह देखते हैं आने वाले समय में रालोट कितना समय रहने वाला है, सुभाषपा की स्थिति होने वाली, क्या आकलन रखते हैं? गौरव भाई, इस बात पर कोई स्टेटमेंट दे पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसके साथ कितने दिन रहेगा और कौन किससे कब जाकर के पुनः मिल जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पुनः मिलने की चांसेस है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कोई अरे आप जब सपा और बसपा एक साथ मिल सकते हैं, जो 36 के आंकड़े इस देश के, इस प्रदेश की पार्टियां 36 के आंकड़े में रही हैं, जब वो एक साथ मिल सकते हैं तो कोई भी मिल सकता है। और कांग्रेस जो इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है, वो जब छोटी पार्टी से गठबंधन कर सकती है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। यक्ष प्रश्न ये है गौरव भाई कि हर राजनीतिक पार्टी इस देश के संविधान की दुहाई देती है और कहती है देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, सबने राजनीति जातिगत प्रकोष्ठ बना रखे हैं, सब जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं, सब जातिगत रिजर्वेशन की मांग करते हैं,
और अब जातिगत जनगणना की भी मांग हो रही है और कहेंगे कि हम देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जबकि संविधान तो ये नहीं कहता है, जातिवाद नहीं बोलता, बिल्कुल संविधान कहता है, नहीं कहता है, नहीं कहता, नहीं कहता, नहीं कहता, नहीं कहता, नहीं कहता है, 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 नहीं आप फिर कैसे, आप फिर कैसे बात बताएंगे, आप बताएंगे, बताइए कौन से आर्टिकल में, कौन आर्टिकल आर्टिकल बता रहा हूँ, अरे आर्टिकल नहीं है, मैंने कहा मुझे याद नहीं है, हटना भी चाहिए, जो जनगणना क्यों होगी, क्योंकि रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन किस पर होगा, जाति पर होगा, जाति पर, आप जाति खत्म करने की बात क्यों नहीं करते, आप रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन खत्म करने की, आप रिजर्वेशन को, आप रिजर्वेशन को जाति अपील करें, समाज किसी थाने में बताइए, थाना देख पुलिस हो, आप मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, पहले जाति लाया कौन है बताइए, सुन लीजिए, आप ही लोग लाए, राजनीतिक, राजनीतिक पार्टियां लाई, राजनीतिक पार्टियां शिक्षा लागू कर नहीं सकते, करिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, करिए, और गरीब लाइए ना, आप गरीब को, अरे वो विश्लेषक है भाई, पत्ता में थोड़ी ना है, लागू करेंगे, लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है, गरीब को जरूरतमंद को रिजर्वेशन दीजिए, आज तक उन जातियों को लाभ ही नहीं मिला, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब हर हर आदमी जाति, हर आदमी जाति की बात करेगा, हर आदमी नहीं मिलेगा, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, आपके साथ कितने सामान लोगे, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ जातियों की बात होगी और जो जातियां संख्या में होंगी वो अपना बाहुल्य साबित कर लेंगे, कर यही कह रहा हूँ ना, आप जाति को खत्म करने की बात करिए, सभी लोग इस पे सचेत गए, मैंने कहा एक भी अर्कवंशी कहीं नहीं मिलेगा, बंजारा नहीं मिलेगा, बहेलिया मिलेगा, अर्क नहीं मिलेगा, गगा नहीं मिलेगा, अरे इनकी जातियां हर विधानसभा में, तो आप थोक के भाव है, अच्छा ये सही है, जयराम भाई, जयराम भाई, जयराम भाई, एक एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल आपसे, ये बताइए आपकी, आपकी पार्टी में कितने सामान वर्ग को आपने जगह दी है, कितने सामान वर्ग वाले हैं, बोलिए, ये जाति, ये जाति की राजनीति है या नहीं, जाति की राजनीति है या नहीं, बोलिए, 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 बहुत क्लियर कट है, हमें सामान, हमें जो है 5 सामान्य मिला था और 12 हमें एससी मिला था, नहीं आपकी पार्टी में कितने सामान वर्ग के लोग हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, बोलिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बोलिए, हमारे देखिए राष्ट्रीय जो प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी है, उसके साथ में प्रदेश के प्रवक्ता सुनील सिंह है, शक्ति सिंह है, संतोष पांडे जी हैं, अर्पित पांडे जी हैं, सत्येंद्र उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता के अलावा और पदाधिकारी नहीं है क्या, नहीं सारे नहीं, प्रवक्ता भी है, राष्ट्र मैं बताता रहा हूँ, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े बताइए, बड़े बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संतोष पांडे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, मैं कहता रहा हूँ, और उसी के साथ में हमारे सुनील सिंह जी है प्रदेश के प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तमाम तरह के हम, ऐसा नहीं है, मैंने कहा देखिए जो पीड़ित समाज है चाहे वो किसी भी समाज से हो, हम उसकी वर्ग की बात कर रहे हैं, हम उसको मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, 75 साल में लोगों ने सरकारें बनाई और सरकारें चलाई लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिला, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर उन्हीं की जवाब दीजिए, चर्चा करना पड़ता, बोलिए दिलीप भाई, पीड़ित, पीड़ित समाज नहीं होता है, पीड़ित इंसान होता है, क्या बात है, इंसानों को ऊपर ले आइए, जितना इंसान पीड़ित है उसको ऊपर ले आइए, किसी जाति से क्यों मतलब रखते हैं, बिल्कुल, आप जाति की बात ही क्यों करते हैं, और ये जातिगत वर्गीकरण क्यों हो रहा है, जाति से पंथी आप लोग बनवाते हैं, जात के नाम पे, आप कराते हो, आप जात के नाम पे, नहीं बेचारा सुन करिए ना, जात के नाम पे एसडीएम बनता है, जात के नाम, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो कौन मेरा रहा, सर आप लोग, भारतीय समाज पार्टी, आप लोग, दिक्कत है, आप लोग, आप जानना चाहता हूँ, शासन सत्ता में थोड़ी है, ठीक है, मेरे समाज के नुमाइंदा क्यों नहीं, अरे सुन लीजिए इनकी बात, चर्चा खत्म करनी, बोलिए दिलीप भाई, बोलिए जल्दी बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पीड़ित समाज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, और कोई राजनीतिक पार्टी इंसानों को ऊपर लाने की बात नहीं करती, जाति को ऊपर लाने की बात करती है, जब आप इंसानों को ऊपर लाने की बात करेंगे और हर उस व्यक्ति को जो असहाय है, जो मजलूम है, जो मजबूर है, जो जरूरतमंद है, उसको सरकार के सारे संसाधन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जातियां खत्म करते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए, जातियां खत्म करोगे, अरे सत्ता पसंद नहीं भाई, विश्लेषक है वो, उठाइए आप, आपको कर दीजिए, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो चर्चा थी वो चर्चा थी अधिवेशन
सावधान यात्रा, देश बचाओ यात्रा और पुनः जागरण मिशन। चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, पर अधिवेशनों के माध्यम से केवल और केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। जनता के मुद्दे को कौन उठाएगा, जनता के लिए लड़ाई कौन करेगा, जनता के लिए कौन संघर्ष करेगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि जो विपक्ष, जिसको आवाज उठाने के लिए जनता ने विपक्ष की भूमिका में खड़ा किया है, फिलहाल वो विपक्ष अपने आप में ही लड़ता नजर आ रहा है। सपा सुभाषपा से, सुभाषपा कांग्रेस से, इस तरह की घटनाक्रम चल रहा है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष में कोई पार्टी दोबारा आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि विपक्ष कमजोर है, और अगर कमजोर विपक्ष सत्र में बैठेगा, कमजोर विपक्ष सदन में अपनी बात करेगा तो कहीं ना कहीं बात का अनसुना भी किया जाएगा। यहाँ पर मजबूत विपक्ष की भूमिका ये है कि अगर सदन में आप बात रख रहे हैं तो बात को धरातल पर भी लाइए और जनता के बीच भी पहुँचाइए। अगर मुद्दों की बात करनी है तो तुष्टिकरण की राजनीति छोड़कर, जाति की राजनीति छोड़कर, धर्म की राजनीति छोड़कर जनता की राजनीति करिए। जो जनता जनार्दन है और जनता ही उतारना जानती है और जनता ही बैठाना चाहती है। आज की महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण नमस्कार। आप देख रहे हैं।